हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू टिंडे की बहुत ही टेस्टी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू टिंडे को छीलकर काटकर पानी में डिप करके रखा है और हमें चाहिए टमाटर, प्याज कटा हुआ और हरा धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और सब्जी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सबसे पहले सरसों का तेल कुकर में डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर जाएगा इसमें हींग जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। थोड़ा सा प्याज जैसे ही भुन जाती है हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे चला देंगे और जैसे ही भुन जाता है इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, टमाटर और साथ ही जाएंगे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ पाउडर, जो कि टेस्ट सब्जी का बहुत ही ज्यादा लाजवाब कर देगा। अच्छे से मिक्स करके इसे 2 मिनट ढक के पका लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, 2 मिनट बाद अच्छी तरह से सब्जी को चला देंगे। ये सब्जी हमारी जो मसाला है बढ़िया बन गया है तैयार। और इधर मैंने डाल दिया यहाँ पर आलू और टिंडे, अच्छे से करेंगे मिक्स और इसमें जाएगा आधा ग्लास पानी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 4 सीटी लगाएंगे तेज आंच पर। 4 सीटी के बाद आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना बेहतरीन आया है और सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें जाएगा गरम मसाला और हरा धनिया पत्ती। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद निकालेंगे सब्जी को सर्विंग प्लेट में। तो गर्मा गर्म आलू टिंडे की सब्जी तैयार है। थैंक यू।